नमस्ते दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में ओला एक कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आया है और वो है 1 लाख के नीचे प्राइस वाला और देने वाला है ARAI सर्टिफाइड 101 किलोमीटर का रेंज। तो इस वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या आपने ओला S1 एयर परचेज करना चाहिए तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारे डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसका कड़ा कंपैरिजन किस इलेक्ट्रिक स्कूटर से हो सकता है वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इतने डिटेल्ड वीडियो शायद ही आपको दूसरे चैनल पर मिले। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपके सामने आपको दिख रहा है चेंज इट्स इन द एयर। ओला इलेक्ट्रिक ने तबाही मचा दी है और आपको पता है कि टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ये रहा है पिछले कुछ महीनों में, लगातार पहले 5 टॉप सेलिंग में रहा है। और यहां पे अभी उनका फेस्टिव ऑफर चालू है, उसके अंदर उन्होंने जो नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है वो खाली आपको कितना 80,000 को मिल सकता है। तो इसका बुकिंग आपको करना पड़ेगा और ये बुकिंग कैसे करना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ओला S1 एयर इन्होंने ऐसा नाम दिया है और बहुत सारी चीजों पे फोकस करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे ओला S1 प्रो और ओला S1 के वो इन्होंने निकालने की कोशिश की है। एक एक प्रॉब्लम डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। यहां पे दिखा है 101 किलोमीटर का रेंज, ये ARAI सर्टिफाइड रेंज है। ARAI आपको पता है पुणे में इनका ऑफिस है। हर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो इंडिया में रोड पे आती है, जिसको फेम 2 सब्सिडी मिलती है, उसको ARAI सर्टिफिकेशन लगता ही है। तो 101 किलोमीटर का ARAI सर्टिफाइड रेंज है, मतलब ट्रू रेंज लगभग इसका 80 किलोमीटर तक मिल सकता है ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो 101 किलोमीटर का रेंज नहीं मिलने वाला, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 80-85 किलोमीटर का रेंज आपको मिलेगा, जिसमें आपको टॉप स्पीड मिल रहा है 90 km/h। तो ये सीधा कड़ा टक्कर है हीरो ऑप्टिमा। रेंज ज्यादा है हीरो ऑप्टिमा की, बट प्राइस के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। एम्पियर मैग्नस EX, ओकिनावा प्रेस प्रो, सब तबाही हो जाएगी अगर ओला ने अच्छा सर्विस, अगर ओला ने अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर वो लेके आए हैं तो ये सब खतरे की घंटा है इनके लिए। ओकिनावा हीरो एम्पियर बहुत ही जबरदस्त। ओके, 0-40 आप अचीव करोगे 4.3 सेकंड्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आपको पीछे से कुछ फायरवर्क्स की आवाज आएगी, फटाकों की आवाज आएगी क्योंकि दिवाली चल रही है गाइस। आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको बहुत सारा प्यार और आपको बहुत सारा समृद्धि मिले, आपको खुशियां मिले, आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जो आप जिंदगी में चाहते हो वो आपको मिले। मैं आपकी तरफ से एक लाइक चाहता हूं, प्लीज लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में है क्या? अभी ये ड्यूअल टोन कलर्स में आएगा। ड्यूअल टोन, अभी की जो ओला थी उसमें 10 कलर्स मिलते थे बट सिंगल कलर थी, अभी ये 5 कलर्स में मिलेगी बट ड्यूअल टोन में मिलेगी। 90 km/h का टॉप स्पीड लेगा, 4.3 सेकंड्स में 0-40 अचीव हो जाएगा, 9.8 सेकंड्स में 0-60 और ARAI सर्टिफाइड 101 किलोमीटर का रेंज। 3 मोड्स इसमें रहेंगे, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, और चार्जिंग टाइम जो है वो 4 आवर 30 मिनट्स का है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको हाइपर मोड वगैरह वगैरह शायद ही नहीं मिलेगा क्योंकि एक बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर फोकस करके ओला ने ये लॉन्च किया है। 4.5 किलोवाट की BLDC हब मोटर इसमें आएगी, BLDC हब मोटर। ओला S1 प्रो और ओला S1 में IPMM मोटर थी जो आपके बेल्ट से पहिए को कनेक्ट करती थी। मोटर जो था वो बेल्ट के थ्रू पहिए को पावर देता था और पहिया चलता था। इसमें BLDC हब मोटर मिलेगी जिसका पिक पावर, ये पिक पावर है, ये नॉमिनल पावर नहीं है, शायद इसका नॉमिनल पावर 2000 वैट ही होगा, मतलब 2 किलोवाट ही होगा। इसका पिक पावर 4.5 किलोवाट है। मतलब मैंने आपको शायद बोला था एक वीडियो में कि जब आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर एक इकोनॉमिक बनाना है तो आप BLDC मोटर पे जाते हो, जैसे हीरो है, एम्पियर है, ओकिनावा है, ये सारे जो है वो BLDC हब मोटर के साथ आए हैं क्योंकि उनको एक इकोनॉमिक स्कूटर देना था। वैसे ही ओला अभी इकोनॉमिक स्कूटर्स के दायरे में आ चुका है और वो अभी तगड़ा कंपटीशन दे रहा है इन सारे अलग अलग ब्रांड्स को। तो आपको स्पेसिफिकेशन तो पता चल गए, आगे मैं आपको और डिटेल देने वाला हूं। तो 90 का टॉप स्पीड, 101 किलोमीटर का रेंज, 4.3 सेकंड्स में 0-40, 4.5 किलोवाट पिक पावर वाली इसमें
क्या है, मोटर है बीएलडीसी हब मोटर, और जो बैटरी है गाइस इसमें बोला गया है 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। तो इसमें मुझे मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, बैटरी कैपेसिटी बहुत ही कम लग रही है, 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी और 4.5 किलोवाट पीक पावर वाली मोटर, तो इसमें मैथमेटिक्स कैसा बैठने वाला है, कैसे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर चलेगा आई डोंट नो, बट ओला ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। बहुत ही कम बैटरी कैपेसिटी है क्योंकि जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, कम स्पेस में उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर देना था जो कम स्पेस खाएगी बैटरी, ऐसा बैटरी उन्होंने दिया है 2.5 किलोवाट आवर का। तो मैं सिंपल मैथमेटिक्स अगर बोलूं, अगर मैं ये सब इरेज करूं तो 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, मतलब वो 2.5 यूनिट्स हो जाते हैं, और अगर 2.5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक यूनिट की कीमत हम 10 रुपया कंसिडर करते हैं तो मतलब 25 रुपीज में आपका स्कूटर चार्ज हो जाएगा, और वो आपको यहां पे 101 किलोमीटर का रेंज बोला है बट मुझे लगता है 80 किलोमीटर तक का रेंज आपको दे देगा। ओके, इसके साथ में जो कंपैरिजन है, जैसे हीरो का ऑप्टिमा है, ओकिनावा का प्रेस प्रो है, उसके बाद में एम्पियर का मैग्नस ईएक्स है, इसका डिटेल कंपैरिजन वीडियो हम अलग से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो ओला है इसके डिजाइन के लिए जानी जाती है, पर्सनली मुझे तो डिजाइन पसंद नहीं बट बहुत सारे लोगों को ओला का डिजाइन पसंद आता है। इसमें अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया है, यहां पे आपको हम्प नहीं दिख रहा, जो पुरानी ओला S1 या S1 प्रो थी उसमें एक यहां पे हम्प आता था, उस ये फ्लैट नहीं था, फुटबोर्ड जो था वो फ्लैट नहीं था, उसकी वजह से यहां पे आप सामान नहीं रख पा रहे थे, बट यहां पे अभी फ्लैट डिजाइन, फ्लैट बोर्ड डिजाइन दिया गया है, उसके वजह से आप यहां पे सामान भी रख सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा वो 150 किलोग्राम्स तक होगा, तो 150 किलोग्राम्स तक आप इसके ऊपर वेट लेके जा सकते हो इंक्लूडिंग राइडर। ड्यूअल टोन बॉडी मिल रही है, यहां पे आपको दिख रहा है सिल्वर कलर और यहां पे दिख रहा है ब्लैक कलर, तो ड्यूअल टोन बॉडी आ चुकी है तो शायद और अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक स्कूटर बनेगा। और बूट स्पेस की बात करें तो 34 लीटर का बहुत ही जबरदस्त बूट स्पेस इसमें मिल रहा है, वो एक बहुत ही एड ऑन बेनिफिट है। तो यहां पर हीरो को सोचना पड़ेगा, यहां पर ओकिनावा को सोचना पड़ेगा, यहां पर सोचना पड़ेगा एम्पियर को कि भाई वो कर क्या रहे हैं। अभी ओला उनके एकदम क्लोज प्राइस आ चुका है और बहुत सारे फीचर्स के साथ आ रहा है, बहुत सारे साथ ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहा है, तो हीरो ओला एम्पियर इन हीरो ओकिनावा एम्पियर इनके लिए ये खतरे की घंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ डिटेल में आपको बोलने वाला हूं। आपको इसमें ग्रैब हैंडल भी मिल जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑलरेडी मिल जाएगा, और अगर बोलूं तो फ्लूइडिक डिजाइन के साथ ही आ रहा है, आपको पीछे दिख जाएगा ये बीएलडीसी हब मोटर है, ये जो है बीएलडीसी हब मोटर है जो पहिए में बैठता है। यहां पे आपको फुटरेस्ट मिल रहा है, पीछे भी ड्यूअल सस्पेंशन है, आगे भी ड्यूअल सस्पेंशन है। अगर आपको याद होगा मैंने जो भी वीडियो बनाए थे ओला के ऊपर, मैंने बोला था फ्रंट में इनका जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो बहुत फेल्योर में आ रहा है, बहुत सारे लोगों का फ्रंट मोनोशॉक सस्पेंशन टूट गया, तो वो अभी ड्यूअल सस्पेंशन के साथ आ गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ओला ने की है। ओला ने दो प्रॉब्लम्स उनके स्कूटर में से निकाल दिए, फ्रंट में जो है वो ड्यूअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिया, और यहां पर जो हम्प था वो निकाल दिया, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था, मतलब वहां पर कुछ रख भी नहीं पाते थे, अभी वो भी निकाल दिया है। ओके, और यहां पे सीट की बात करें तो आपको पता है बहुत ही वाइड सीट यहां पे मिल जाता है, ओला का है बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि बहुत ही वाइड सीट ओला में मिलता है, बाकी कौन सी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतना वाइड सीट नहीं मिलता। गाइस अभी आप बोलेंगे भाई तू पहले तो ओला को बहुत गाली देता था, भाई तू पहले तो ओला को मतलब निगेटिव बोलता था, भाई जो निगेटिव होता है वो मैं निगेटिव ही बोलता हूं, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही बोलता हूं। पहले बहुत सारे लोगों ने ओला के वजह से प्रॉब्लम फेस किए तो किए, अभी ओला इंप्रूव हो रहा है तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, अगर इंप्रूव हो रहा है अच्छी गाड़ियां लेके आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। और जो लॉन्चिंग इवेंट हुआ उसमें अग्रवाल साहब ने कहा कि अभी 50% जो स्कूटर्स है उसमें ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटर्स है, जो प्रीमियम स्कूटर्स खरीदते हैं वो सिर्फ आईसी इंजिन वाली या पेट्रोल नहीं, दोनों मिला के आईसी इंजिन वाली और इलेक्ट्रिक मिला के जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें 50% ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटर है, तो बहुत ही जबरदस्त बात है ये। और ऐसा रहा तो 2025 तक सब हमारी जो टू व्हीलर्स है वो इलेक्ट्रिक हो सकती है, अगर ओला जिससे जैसे काम कर रहा है, मुझे लगता है अगर वो पॉजिटिव काम कर रहा है तो बाकी के इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर को भी वो करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम के साथ वो नहीं टिक पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बोले, मैंने आपको जो बोला फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, यहां पे आपको ड्यूअल दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ही ओला ने किया है। अभी आगे आपको अभी डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, ड्रम ब्रेक मिलता है, क्योंकि
ये देखो टॉप स्पीड कम हो गया तो ड्रम ब्रेक से भी काम हो सकता है। ओके सो यहां पे लिखा है, एकदम स्पष्ट लिखा है, मराठी में स्पष्ट बोलते हैं, फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क यहां पे आता है, लाइटवेट बिल्ड है, 99 किलोग्राम इसका कर्व वेट है और पीछे भी आपको ट्विन रियर सस्पेंशन मिल रहे हैं। और ये जो मोटर है ये इन्होंने बोला है कितने किलोवाट का है, मैंने आपको दिखाया था हाउ मच किलोवाट, इट इज ऑफ 4.5 किलोवाट। तो ये जो पीछे मोटर दिख रहा है ये 4.5 किलोवाट पिक पावर वाला मोटर है। गाइस अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। आगे बढ़ते हैं, अभी यहां पे खतरे की घंटा क्यों है हीरो को, ओकिनावा को या एम्पियर को, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो इन तीनों भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में नहीं है। इसमें बहुत अच्छा खासा 8-कोर प्रोसेसर है 2 GHz का, इसमें मैप्स मिल जाते हैं आपको, इसमें आपको म्यूजिक मिल जाता है, इसमें आपका जो स्कूटर है वो आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाता है, इसमें आपको 3 GB का रैम मिल रहा है, अच्छा खासा ब्लूटूथ मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है, GPS मिल रहा है, OTA अपडेट्स मिल रहे हैं, ओवर द एयर अपडेट्स जो हीरो में भी नहीं है, एम्पियर में भी नहीं है, ओकिनावा में शायद OK90 में होगे। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट जाने वाला है आगे को, जो लोग 1 लाख के करीब इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं उनके दिमाग में ओला ही पहले आएगा, क्योंकि ओला बहुत सारे फीचर्स दे रहा है और ओला बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ आगे आ रहा है। और जो टारगेट ओला ने सेट किया है 2025 तक उनको मैक्सिमम पेनिट्रेशन करना है, तो ओला ने तबाही मचा दी है। आपको क्या लगता है, आप कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे और एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, रोड साइड असिस्टेंस आपको ओला की तरफ से मिल जाएगा। यहां पे स्कूटर का जो इंश्योरेंस है वो 1 ईयर ओन डैमेज, 5 ईयर्स थर्ड पार्टी डैमेज, पर्सनल एक्सीडेंट कवर आएगा, 0 depreciation उसमें मिल जाएगा, जिसमें आपको ICICI, एको, डिजिट ऐसे अलग अलग लोगों की तरफ से आप इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर वारंटी की बात करें तो आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो 5 साल या 60,000 kilometers तक की। So, अगर आपका ईयरली रनिंग 10,000 है, 10,000 किलोमीटर अगर ईयरली रनिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है 60,000 किलोमीटर या 5 साल ये लगभग सेम ही हो जाता है, और ये एक बहुत ही अच्छी खासी बात है। ओके तो ये ओला ने क्या किया, पहले तो हम्प निकाल डाला, जो फुटबोर्ड था वो फ्लैट फुटबोर्ड हो गया, फ्लैट फुटबोर्ड। ओके दूसरा ओला S1 Air में क्या आया, हब मोटर आया। ओके हब मोटर के वजह से क्या हुआ, कॉस्ट ड्रॉप हो गई। ओके तीसरा इसमें आपको जो है बहुत अच्छा खासा फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और इसके सब के वजह से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, 101 किलोमीटर का ARAI सर्टिफाइड रेंज मिल रहा है। ओके इसमें आपको मिल रहा है बहुत अच्छा खासा 4 किलोवाट पिक पावर वाला मोटर, इसमें आपको मिल रहा है 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात, बहुत ही सोचने वाली बात किसको है, जिसका बजट 80,000 to 1 lakh रुपीज है, जिसका बजट 80,000 to 1 lakh रुपीज है, उसके लिए सोचने की बात है। क्योंकि इस बजट में कौन आता है, हीरो आता है, इस बजट में ओकिनावा आता है, इस बजट में आपको एम्पियर आता है, इस बजट में बाकी भी बहुत सारे लोकल ब्रांड्स आ रहे हैं, बिगॉज आता है, फिर उसके बाद में बेनिलिंग आता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये ओला ने बहुत ही डेंजरस कदम उठाया है, और अभी हम ओला की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला है। सो लेट्स जंप ऑन टू देयर वेबसाइट, ये है ओला का वेबसाइट, और यहां से ही मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ पहुंचाई, मैंने कहां से भी दूसरी जगह से उठा के इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है। ये ओला की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो इसी वेबसाइट से है। सो यहां पे आपको मूड्स एंड साउंड्स या मूव OS 3 जो अपडेट है, जो S1 Pro और S1 को भी मिल रहा है, वो भी आपको मिलने वाला है। मल्टीपल प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो, मूड्स एंड साउंड्स आपके स्कूटर को अभी अलग अलग आवाज दे सकते हो, जैसे रिवोल्ट RV 400 को आवाज आता है इन सेम वे। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है, और आपको अगर बुकिंग करना है तो कुछ FAQs आपको दिखाता हूं। ओके हाउ कैन आई बाय ओला S1 Air। ओके एट प्रेजेंट यू कैन ओनली रिजर्व, तो यहां पे आप रिजर्व कर सकते हो, बाय नहीं कर सकते, आपको प्री बुक करना पड़ेगा। ओके उसके बाद में आर टेस्ट राइड्स अवेलेबल, Not as of yet, तो इसके टेस्ट राइड्स अवेलेबल नहीं है, बट ये आपको पूरे स्पेसिफिकेशंस के साथ इन्फॉर्म करेंगे कि इनके टेस्ट राइड्स कब अवेलेबल हो जाएंगे। When does the payment window for S1 Air, कब पेमेंट विंडो ओपन होगा, तो वो 2023 फरवरी में पेमेंट विंडो ओपन होगा। गाइज अभी चल रहा है अक्टूबर,
ओके, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी चार महीने है, चार महीनों के बाद इसका विंडो खुलेगा और उसके बाद में बुकिंग होगा और फिर डिलीवरीज में मुझे ऐसा लगता है अप्रैल मई हो सकता है। ओके, तो आपको कब इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है। When will delivery start? तो यहां पे mention किया है April 2023 में delivery start होगी, मतलब आप जितना जल्दी इनका full payment कर दोगे उनके बाद में delivery चालू हो जाएगी। अभी यहां पे free test ride पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे खुल जाता है कि location allow करो आप। ओके, location allow करने के बाद यहां पे अगर मैं confirm location करूं तो test ride at Ola Experience Center ये भी आप कर सकते हो। ओके, या test ride at your home वो भी आप कर सकते हो। तो यहां पे आपको दिख जाएगा पूरे एक्सपीरियंस सेंटर के यहां पे एड्रेस इन्होंने मेंशन किया है। जैसे मेरे सिटी में नासिक में एक्सपीरियंस सेंटर अवेलेबल है, ओके, यहां पे भी मैं बुक कर सकता हूं और यहां पे देखिए टाइम स्लॉट भी अवेलेबल है और टाइम स्लॉट के अनुसार मैं टेस्ट राइड भी बुक कर सकता हूं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन गाइज मैंने आपकी तरफ पहुंचा दिया है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ कमेंट्स हो, सजेशंस हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। ओला S1 एयर और बाकी चीजों का जैसे हीरो है, एम्पियर है, ओकिनावा है, उनका डिटेल कंपैरिजन वीडियो भी लेके आऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, PVG_तस्वीर वाला मेरा हैंडल है। मिलेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।